हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन एक बार फिर हैं हम क्लास सेवन के साथ जहां हम अब एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड यू कैन सी द एंटायर टीम ऑफ क्लास सिक्स टू एट मैग्नेट ब्रेन्स के सारे टीचर्स जो आपके लिए सारे वीडियोस रेडी कर चुके हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स की अब आपको सिर्फ पढ़ना है और बेहतरीन मार्क्स लेके आने हैं सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अपोम द स्क्विरल जो कि क्लास सेवन हनीकोम बुक का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम पहले सामरी देखेंगे ताकि ये पूरी पोम एक बार रिवाइज हो जाओ एंड क्विकली मूव फॉरवर्ड विद एमसीक्यूज़ चलो स्टार्ट करते हैं इन द पोम द स्वर द मिलड्रेड मिल्ड्रेड आर्म स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब्स दैट ही ऑब्जर्व्स इन हिज़ गार्डन सो ये जो पोम है द स्क्ल इसमें लिखा किसने इसको पोएट का नाम क्या एम बी ए मिल रेड

सो so, वो एक ट्री ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है और वो एक नट खा रहा है हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क लुक्स अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप सो उसका जो टेल है स्क्विरल का वो इस शेप का है एक क्वेश्चन मार्क के शेप का है और इसीलिए जो है वो क्यों बोल रहा है क्वेश्चन मार्क मतलब वो इस तरीके का है उसका जो टेल है सो सपोज दिस इज द स्क्विरल बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्विरल है तो उसका टेल इस तरीके से है क्वेश्चन मार्क शेप का है क्योंकि क्यों क्योंकि वो बेंट है The happy and lively squirrel loves to play with the poet and her friends. अब ये जो happy और lively squirrel है इसको poet और उसके friends के साथ खेलना बहुत पसंद है Whenever the rain ran around his tree, he would run to the other side of the tree. So, जब भी वो एक side से दौड़ के आते थे वो दूसरे side चला जाता था

इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिजायर टू कम्पोज पोएट्री ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एलिमेंट्स दैट कम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ्स सो जो पोएट हैं उनका डिज़ायर क्या है जो एम जो हमारे मिल्ड्रेड बॉस आर्मस्ट्रॉन्ग सर हैं ये हमेशा ऐसी चीज़ों के ऊपर पोम लिखते हैं जो बहुत ही डेली लाइफ से बिलोंग करती है मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको लगेगा इस पर कोई कैसे पोम लिख सकता है लेकिन वो आम चीज़ों के ऊपर पोम लिखते हैं और उसके बाद अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं

रेस्ट करने के लिए टू ईट अट एक नट खाने के लिए रहती है एक केव में एक गुफा में ऑन अ ट्री एक ट्री के ऊपर ऑन अउंटेन और इन अ कैनल कैनल में कौन रहते हैं डॉग्स सो कहा रहती है इट लिवस ऑन अ ट्री वॉट इज द राइट आंसर बी कैसी लगती है एक squirrel की? A full एक की? की तरह? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन Exclamation साइन exclamation क्या होता है? ऐसा. ऐसे दिखती है क्या नहीं इनवर्टेड comma जैसी दिखती है ऐसी दिखती है नहीं इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इज ट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रेट वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट का ऑपोजिट क्या होगा नॉर्मल नो लीगल नो लेवल नो कर्वड स्ट्रेट कोई चीज है स्कूल गोज अवे वेन वी द स्क्ल गोज अवे अब स्कूल दूर चले जाती है कब वेन वी चेज हेम वेन वी गो नियर हेम वेन वी रन अराउंड्री

वट वुड द we इफ वी his tree? अब यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन किए हैं तो जैसे पहला जो हमने डिस्कस किया था उसने हमने ये इस यहाँ पे क्वेश्चन किया था और दूसरा मतलब जो क्वेश्चन है वो आंसर टाइप में था सो so, इससे क्या होगा आप हर तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे आपको कैसे भी क्वेश्चन आएंगे यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन सो अगर हम स्क्ल के ट्री के अराउंड रन करेंगे तो क्या होगा ही रन अवे वो भाग जाएगा ही लेफ्ट द ट्री वो ट्री छोड़ के भाग जाएगा

द स्क्विरल इज टीजिंग स्क्विरल किसको टीज कर रहा है चिल्ड्रन को पोएट को दूसरे स्क्विरल को या किसी को भी नहीं किसको टीज कर रहा है वो पोएट को टीज कर रहा है पोएट और उसके फ्रेंड्स को टीज कर रहा है नेक्स्ट इज द टेल ऑफ अ स्क्विरल इज कैसी होती है टेल लॉन्ग होती है हैरी होती है बहुत छोटी होती है या लॉन्ग और हेरी द आंसर इज लॉन्ग एंड हेरी को कैसे tease कर रहा है? है कबड्डी उसके साथ <laughs> नहीं गोइंग अप एंड कमिंग डाउन ट्री ऊपर नीचे जा रहा है बार बार नहीं प्लेइंग yes. से आता है तो वहां छुप जाता है वहां जाता है तो यहाँ छुप जाता है बेसिकली इट्स प्लेइंग हाइड एंड सीख नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोम द स्क्विरल लाइक्स टू सो पोम के अकॉर्डिंग स्क्विरल को डांस करना पसंद है गाना गाना पसंद है या टीज करना और प्ले करना पसंद है या सोना पसंद है सो वट इज द आंसर द आंसर इज टीज एंड प्ले इट कीप्स एट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्विरल हमेशा अपने आप को किस चीज से किससे एक दूरी बना के रखता है्यूमन्स इंसेक्ट्स रोड और डस्ट Of course, the answer is humans. What is the answer? Humans. The poem The Squirrel has been written by, Abhi ye to humne se discuss kiya hai. Kisne likha hai? Who has written the poem? MBA. Who is MBA? M.B. Armstrong, Mildred Bowers Armstrong. So, answer is D. Next is, He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way.

वट इज कॉनफुल जो हमेशा गुस्से में रहता है इंट्रोवर्ट जो बिल्कुल बात नहीं करता दूसरों से बिल्कुल खेलता नहीं है उनके साथ और अपने में ही रहता है जेलस मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन ईर्ष्या होती है ओब्वियसली हमारी जो स्क्वरल है वो कैसा है प्लेफुल सो द आंसर इज ए नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स द पोम हैज अब इस पोम में कितनी लाइन्स हैं इसका इसके लिए आपको पोम पता होनी चाहिए द पोम एक्चुअली हैजटल टोटल सिक्स लाइन्स द आंसर इज बी सेट अप स्ट्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो पोएटिक devices जब हमने इसमें डिस्कस करी थी तो वी हैड discussed दिस नाउ यहां पे जस्ट सी sat अप स्ट्रेट यहाँ पे स का साउंड रिपीट हो रहा है रिपीट होता है इट स्टार्ट विद कॉन्सोनेट साउंड उसको हम कहते हैं अलिट्रेशन सो दलि नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओवरकोट ऑफ ग्रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ ने कोई overcoat पहना है? नहीं लेकिन so, यहाँ पे विदाउट यूजिंग दर्ड एज ओ लाइक एक कंपेरिजन हो रहा है इसीलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटोफो वट इज इट इट इज अटोफो नेक्स्ट इज ही क्वेश्चन मार्क फॉर टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब स्कूरल जितने भी एनिमल्स होते हैं यूजली हम उनको इट करके बुलाते हैं बट इधर पे पूरी पोम में हमने ही करके बुलाया है वो कोई पर्सन हो। तो यहाँ पे हम स्कूर को परसोनिफाई कर रहे हैं एक तरीके से उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं सो विच पर्टिकुलर पोएट्रिक डिवाइस है ओह डन सो वी आर डन तो हमने इसमें पोइटिक डिवाइसेज भी कवर कर ली हमने अपने पोइट का नाम कवर कर लिया पूरी पोम से सारे एम सी क्यूज कवर कर लिए हैं आई होप यू अंडरस्टुड दिस वेल इफ यू डिड गिव मी अग लाइक एंड थैंक यू सो मच यू कैन फाइंड ऑल दीजियोज आर वेबसाइट मैगनेट्लीस डॉट कॉम वे यू जस्ट हैलेक्ट द क्लास एंड दैन सब्जेक्ट उसके बाद आपको चैप्टर वाइज वीडियोज भी जाना है जिस भी वीडियो का जिस भी चैप्टर का एम सी क्यू चाहिए जस्ट क्लिक दैर एंड यू विल फाइंड द वीडियो दैट इज ए Thank you so much once again. It was lovely teaching you. I'll see you soon with the second unit of class 7 in CRT Honeycomb book. Take care. Bye bye.